प्रदेश के सबसे साक्षर जिला हमीरपुर में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के दावे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चल रही हैं, तो उसी कमरे में दफ्तर भी काम कर रहा है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के तहत आने वाले प्राथमिक स्कूल सौर में देखने को मिला, जहां पर पहली से पांचवी तक की कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही हैं। जहां एक ओर प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु शिक्षा में सबसे अग्रणी जिला हमीरपुर की बात की जाए तो यहां पर बड़सर उपमंडल में प्राथमिक स्कूल सौर में पहली से पांचवी तक की कक्षा एक ही कमरे में पढ़ाने पर शिक्षक मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल की स्थापना 1948 में हुई थी, जो स्कूल में 4 से 5 कमरे थे। कमरे कच्चे होने के कारण वर्ष 2010-11 में उन्हें गिरा दिया गया। उसके बाद से अब तक बच्चों को शिक्षक एक ही कमरे में ग्रहण करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब बारिश होती है तो बच्चों को बैठने की मुश्किल होती है। स्कूल का फर्नीचर भी उसी कमरे में रखा गया है। बच्चों को कड़ी धूप में बैठकर दोपहर का भोजन करना पड़ता है। स्कूल में 32 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर तैनात अध्यापकों का कहना है कि विभाग को कई बार इस बारे में अवगत करवाया गया है, मगर स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। यहाँ पे सर, यहाँ सौर स्कूल में बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि जो पुरानी हमारी बिल्डिंग थी वो जर्जर हो चुकी थी और गिरने के कगार पे थी और गिर गई है वो। उसके बाद विभाग ने 2011-12 में यहाँ पे एक कमरे का निर्माण किया। उसके बाद ना तो इस स्कूल की किसी तरह से सुध ली गई, ना ही किसी तरह का यहाँ कोई कमरा बनाया गया, जबकि इस स्कूल में 32 बच्चे और एक कमरा है, उसके अंदर 32 बच्चे बैठते हैं। वहीं पे स्टोर है, अलमारियां हैं, अंदर टीचर बैठते हैं। तो ये तो सर्वाइव करने वाला काम है कि एक कमरे के अंदर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, जबकि 5 क्लासें कमरे में कैसे चलती है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। इसको हम अपने बयान नहीं कर सकते हैं। सर, हमने विभाग को अपने यहाँ के टीचरों के माध्यम से बार बार पूछा कि पंचायत की तरफ से किसी तरह की मदद चाहिए तो हम मदद करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन उन प्रस्तावों के ऊपर किसी तरह का कोई विचार नहीं होता है। हम यहाँ से कार्रवाई कर देते हैं, ऊपर से कह देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन 7-8 साल से यही काम चल रहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं, आज तक काम नहीं हुआ। बच्चों का कहना है कि एक ही कमरे में पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस कारण परेशानी होती है और पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। पीटीए प्रधान व पूर्व वार्ड सदस्य पवन कुमार का कहना है कि इस बारे में स्कूल प्रबंधन को अवगत करवाया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मजबूरन बच्चों को एक ही कमरे में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई नाम मात्र की होती है। तब बारिश होती है तब बाहर वाले बच्चे भी अंदर आ जाते हैं और बैठने में दिक्कत होती है, और यहाँ एक कमरा बनाया जाए। अच्छा, एक ही कमरा बेटा यहाँ पे, क्या और भी है? एक ही है। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी देशराज फुटबाल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्कूल के नए भवन के लिए एस्टीमेट विभाग को भेज दिया गया है। एस्टीमेट अभी तक मंजूर नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि विभाग को स्कूल में हो रही समस्या के बारे में अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तक एक ही कमरे में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सौर स्कूल का जो मामला वो मेरे ध्यान में आया है, उसमें 2016 में उस स्कूल को डिसमेंटल करने के आदेश दे दिए गए थे, BWD की तरफ से भी आदेश हो गए थे, और उसका एस्टीमेट जो है वो भेजा गया था। अभी तक विभाग की तरफ से वो एस्टीमेट अप्रूव नहीं हो पाया। जैसे वो एस्टीमेट अप्रूव होगा हम उसके ऊपर काम कर देंगे। हाँ, फिलहाल अभी हमारे पास एक ही कमरा है, कमरा और उसके साथ एक बरामदा है, उसी में क्लासेस चलाई जा रही है। हमारे 29 वहाँ पर बच्चे हैं, और विभाग को इसके बारे में अवगत करवा दिया गया है। मैं पर्सनली इस मामले को अब जैसे ही हम शिमला अगली मीटिंग में जाएंगे तो इसमें डॉक्टर साहब के ध्यान में इस बात को लाया जाएगा, और क्योंकि उस स्कूल में और कोई व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है। नज़दीक में कोई स्कूल नहीं है, पंचायत नहीं है, या कोई सरकारी कमरा नहीं है कि जिसमें बच्चों को शिफ्ट किया जा सके, इसलिए वो एक ही कमरे में क्लासेज वो चलाई जा रही है। उसके पास बरामदा भी है, तो अभी देखते हैं कि जो सर्दियाँ आने वाली हैं तो बरामदे में बच्चों को ठंड लगने की ज़्यादा संभावना है। तो मैं दिशा निर्देश दूँगा अपने जो वहाँ के इंचार्ज हैं कि किस प्रकार से बच्चों को ये व्यवस्था दी जा सकती है ताकि वो सर्दियों में भी ठीक ठाक पढ़ सकें, और
कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें एक आध कमरा कोई और उपलब्ध हो जाए तो उस कमरे को हम लोग लेकर के वहाँ क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर संभावना बन नहीं पा रही है। इसके लिए जो हमें बजट था 3,15,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें हमने कमरा बना दिया है, कमरा बड़ा है, उसी में बच्चे बैठते हैं और उसी में वो टीचर भी बैठते हैं, उसी में पढ़ाया जा रहा है, वो बरामदे में बच्चों को शिफ्ट कर लेते हैं, उसमें वो उन्होंने काम चलाया हुआ। लेकिन अभी हमने विभाग को इसके बारे में अवगत हम करवा चुके हैं और फिर हम इसके बारे में एक लेटर जरूर लिखेंगे और बात करेंगे पर्सनली कि इसके लिए बजट जो है वो शीघ्र सैंक्शन किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रह सकें और